सारे दर्शकों को पहले तो राम राम जी। ठीक है, ये दिक्कत तो मार्केट में है ही है सर, ये कोई अभी की दिक्कत नहीं है, मेरे को खुद को 25 साल हो गए हैं मार्केट में, तो जब से हम मार्केट में हैं तब से दिक्कत तो ही है सर। कोई भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, कोशिश करी है इन्होंने, लेकिन वो क्या होता है कि बरसाती मेंढक जब बरसात होती है ना तब सब निकलते हैं कोशिश करने के लिए, लेकिन इसका कोई फुल प्रूफ जो है आज तक बनाया नहीं गया कोई भी। ठीक है, गलती हम लोगों की भी है, दुकानों से पॉलिथीन निकलता उठा के बाहर गिर देते हैं, वो नालों में चला जाता है, गालियां हम क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को देने लग जाते हैं, लोकल विधायक को देने लग जाते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है कि मार्केट में जो हमारी जो पॉलिथीन वगैरह आती है सारी, उसको बाहर ना गिरे, उठ को उठा के डस्टबिन में गिरे, और इस वक्त तो क्या कहते हैं निगम ने शाम को पॉलिथीन वगैरह उठाने के लिए, कूड़ा उठाने के लिए आते भी हैं। तो बाकी हमारी तो गुजारिश जो है एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कुछ इसका हल किया जाए, दिक्कत तो है ही, अब देखो बाहर पानी खड़ा है, और जिस दिन सुबह से बारिश शुरू हो जाए तो कस्टमर तो वैसे ही नहीं आता, मार्केट का तो माल हाल आजकल आपको पता ही है क्या है, और ऐसे बरसातों में तो मेरे ख्याल से कोई सारा दिन अब बैठे हैं सुबह से, कोई पूछने भी नहीं आया होगा। हम बिल्कुल यही, इतने बड़े बड़े तो बना रखे हैं, थड़े बना रखे हैं, उनमें से सफाई नहीं होगी उनकी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सफाई मैंने कभी लास्ट 2-4 साल में कभी देखा हो कोई नालों की सफाई करने के लिए आया हो। हाँ, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो बेचारे सुबह आते हैं उठा के ले आते हैं, शाम को भी आते हैं वो, अब वो बार बार से ले जाएंगे, नाली की तो सफाई हो ही नहीं सकी जब तक थड़े उसमें इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो तभी जागता है। फिर गाकी का तो सर अब देख लो आपके हाल है सर, कोई पूछ नहीं आया, अंदर देखो नज़र मारो सर, आप सुबह से ऐसे ही बैठे हैं सर, 9:30 बजे से आए हुए हैं सर। ठीक है सर, व्यापार वैसे ही आगे मंदा ठंडा चल रहा है, और बरसातों में इतना इतना पानी भर जाएगा कौन आएगा सर।